लिए सबको टिकट्स मिल गई है और नामांकन भी हो गया है। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ हमारे साथ मौजूद है जिन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया है। हम आपसे पुष्पा जी जानना चाहेंगे कि आपको किस वार्ड से टिकट दिया गया है। मुझे वार्ड नंबर 74 से टिकट मिली हुई है। तो यहाँ के विकास कार्य की बात की जाए तो आपकी जीत के बाद क्या विकास कार्य होंगे? इस विभाग में आप देखिए तो बहुत पानी की समस्या है और जो महिलाओं की जो टॉयलेट्स की बहुत समस्या है और सड़कें भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, जो बेसिक एमिनिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ सिटीजन इज नॉट अवेलेबल इन दिस वार्ड। सो फर्स्ट आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो कहीं ना कहीं अगर नगर सेवक से बात करें तो एक पाइपलाइन लेकर और एक गटर नालियों के सिवा यही बातें करते हैं हर नगर सेवक। तो क्या इससे ऊपर कुछ और समस्या नहीं होती यहाँ की? बहुत सारी समस्या और होती है, ये बेसिक होती है। बिकॉज ही अगर आपके पास घर में पानी नहीं हो तो यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट स्टार्ट योर डे विदाउट वाटर। सो सबसे पहले पानी की है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल एजुकेशन, ये सब की भी बहुत कमी है। यहाँ पे बराबर सही ढंग के अस्पताल नहीं है, स्पेशली आरे में देखिए आप, आरे में हॉस्पिटल्स हैं लेकिन प्रॉपर बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। सो पीपल जो इमरजेंसी होता है दे हैव टू मूव आउट ऑफ आरे एंड दे हैव टू गो टू जुडिशरी। तो एक क्रिटिकल पेशेंट का क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। सुबह के 10 से 11 बजे जिस टाइम पे हर महिलाओं के घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतार है महिलाओं की, तो इनकी भी एक उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। तो इन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए क्या कार्य होगा? असल में ये जो महिला हमसे जुड़ी हुई है ना, ये अभी नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि मुझे टिकट मिली है। बिकॉज मेरी संस्था एक है शिव मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट है महिलाओं के लिए, हमारे हर साल होते हैं महिलाओं के लिए, विधवाओं के अलग तरीके से सहयोग हम देते हैं संस्था के द्वारा, इसीलिए पहले से जुड़ी हुई है, कई सालों से जुड़ी हुई है। तो अभी क्योंकि मैं अभी पॉलिटिक्स में आ गई हूँ तो ये लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपसे बात करें कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट्स दिए तो आप किसको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक्स बोला, कितनी खुशी है इस बात की आपको? मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे सारे नेताओं को दूंगी, जैसे कि हमारे मुंबई अध्यक्ष माननीय संजय निरुपम जी, हमारे जिला अध्यक्ष जो है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है बुद्धास कामत जी को धन्यवाद दूंगी, फिर हमारे ऑनरेबल MLC है भाई जगताप जी को धन्यवाद दूंगी और हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर है सुरेश शेट्टी जी को धन्यवाद दूंगी और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष है बलदेव खोसा जी को दूंगी और हमारे महिला अध्यक्ष है जगता दिखे था उनको मैं दूंगी, हमारे मुंबई महिला अध्यक्ष शीतल माथुर को दूंगी और हमारे MLA जी जो है जो खड़े हुए थे पिछले साल राजेश शर्मा जी को दूंगी और हमारे आमदार जी हैं असलम शेख जी को मैं धन्यवाद दूंगी। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस 60 सालों से कुछ नहीं कर पाई है, वो उसने देश के लिए कुछ कार्य नहीं किया, आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? क्या लोगों को गलत बताया जाए कि अन्य पार्टियाँ को यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को डुबाती आई है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप लोग कहते हैं कि 67 ईयर में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज आप देखिए घर घर में एक TV है, एक फ्रिज है, सबके यहाँ तक कि एक सर्वेंट के पास भी एक मोबाइल है। ये तो क्या ये आने वाली पार्टी ने नहीं किए? सारे कार्य तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने किए, जो लोग सारे के कार्यक्रम सब के रोड बने, वॉकिंग ब्रिजेस बने, वो सब किसने बनाया? ये सब मेट्रो, ये सब कांग्रेस ने ही तो किया है। और आज जो महिलाएं बाहर निकली हैं वो किसने की है? कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी हमारी हैं माननीय, हमारी बड़ी नेता थी कांग्रेस की, उन्होंने सब किए, सब महिलाओं को उन्होंने ही बाहर निकाला, तब तक तो महिलाएं सब अंदर ही बैठे करती थी। मैं मेरे नागरिकों को यही कहूँगी कि सिंस आई एम एन एडुकेटेड पर्सन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और मैं पहले से ही बहुत सेवा करती आ रही हूँ बिना कोई मतलब से, तो आई थिंक अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो इस नगर को मैं एक सुंदर नगर बनाना चाहती हूँ जिसमें पानी की सुविधा हो, टॉयलेट, मेडिकल फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन का प्रॉपर कार्यक्रम हो और हमारी महिलाओं के लिए छोटी मोटी रोज़गार और हमारे यूथ के लिए भी रोज़गार हो और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी हम अच्छी तरह कुछ हेल्प करना चाहेंगे। जैसे कि आपने सुना पुष्पा जी का कहना था कि गटर नालियों के अलावा भी एजुकेशन को लेकर वो यहाँ की महिलाओं के लिए और लोगों के लिए काफ़ी कार्य करने वाली है। यहाँ पे जनता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे उनकी कितनी आशा है पुष्पा जी से। पहले से ही उनके आएगी तो हमको बहुत, तो भी
पुष्पा जी का नाम सुनने को? पुष्पा जी का नाम सुनने के बाद हम लोग ने यही किया था, जो हमारा पार्टी ने हमको जो नेता दिया है उसका काम तो हम लोग करेंगे। वो आने के बाद जो अभी नोट का प्रॉब्लम चला है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका प्रॉब्लम चला है, जो संजय गांधी ने निराला सोनिया जी ने दिया है वो कांग्रेस, वो संजय गांधी निराधार से जो अपना जो कुछ विधवा महिलाओं का जो काम बचा हुआ है, जो हुआ है वो तो आए ही हैं, जो बचा हुआ है वो भी करेंगे। दूसरा है वो यूथ के लिए, जो इतना पढ़े लिखे यूथ है, ये जो सरकार आई है जो पढ़े लिखे यूथ के लिए कुछ कर नहीं रही है, खाली वो 40-40 लाख का कोट पहन के घूम रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, अपन पैदा किए बच्चे हैं, उसके लिए वो सोचता नहीं है। इसलिए वो हमारी सीट आने के बाद, हमारा कांग्रेस आने के बाद हम लोग सब कुछ करेंगे। वो जो नाम जो है हमारा कांग्रेस का, पहले से कांग्रेस पार्टी ही थी, बाद में ये सब पैदा हुए हैं, तो हम लोग एक ही कांग्रेस पार्टी रखने के लिए मदद करेंगे और मदद करके चुन के लाएंगे महानगर पालिका का। कहीं ना कहीं जब लोगों को टिकट मिलता है तो लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते, फिर बाद में वो टूट जाते। क्या लगता है अगर पुष्पा जी ने वादे करे तो यह वादे पूरे? हमारा कांग्रेस का नेता, पुष्पा जी बोलो या और कोई बोलो, हमारा कांग्रेस का नेता बोल के बाजू हटेगा नहीं। वो लोग खून भी जाएगा उसका तो भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी नहीं, काम करते रहेगी। इधर देखो 20 साल मैं तो 81 से आई हूँ, 81 से इधर शिवसेना का ही नगर सेवक है। क्या शिवसेना नगर सेवक ने किया पूछो, किसको भी पूछो, इधर इतना जा रहा है इसको किसको भी पूछो, कुछ किया नहीं है। अपना जेब भरा है और गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और हम लोग गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, झोपड़पट्टी वाले लोग ऐसे ही उसका पीछे 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 मध्यम से आए हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी आने के बाद पूरा जो कुछ तकलीफ हुआ है जनता को, वो तकलीफ हम लोग दूर करेंगे, और बाद में ये लोगों का राज चलाने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे।